नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हुई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपसे 3 क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो बंदा इन 3 क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही देगा उसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2016 के ऑल 12 शिफ्ट की PDF के क्वेश्चन मिलेंगे, जो रियल एग्ज़ाम 12 शिफ्टों में 2016 में हुआ था उनके पेपर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में BJP ने कितनी सीटें जीती। सेकंड क्वेश्चन है, PM मोदी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था PM मोदी ने। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप भी इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने जीमेल आईडी के साथ आंसर कीजिएगा, और आपकी जीमेल आईडी पर आपको 2016 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हुए क्वेश्चन, जो भी पेपर हुए थे उनकी क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको भी एक बात और बता दूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर SSC, रेलवे, अगर NTPC या D ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, और 10 रुपये में आपको सभी एग्ज़ाम के पुराने पेपर मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। मैं एक को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये दिल्ली पुलिस का PDF है, और आपको इसमें दिल्ली पुलिस के जो ऑल 12 शिफ्ट के पेपर हुए थे वो पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको NTPC के बारे में भी बता दूँ, जो 2016 में NTPC के पेपर हुए थे, जो ऑफिशियल पेपर हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पे सभी पेपर की PDF बनाकर यहाँ पे अपलोड की गई है जो 2016 में हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम SSC, CPO, SI, MTS, GD कॉन्स्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, RRB, D ग्रुप आदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, वहां से आप इनके 2019, 18 और 17 में जो भी पेपर हुए हैं उनकी PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे जानकार हैं एक पड़ोस में, वो दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट सेल में 4th ग्रेड की नौकरी करते हैं, और आज सुबह मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो 22 जून को दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, और इसमें पदों की संख्या 9230 रहने वाली है। दोस्तों 9230 टोटल, इसमें 30% महिलाएँ और 60% बॉयज़ रहने वाले हैं, और 10% जो रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विस मैन के लिए वो पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका अभी कोई ऑफिशियल तो अपडेट आया नहीं है आपको पता है, लेकिन जैसे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 22 जून को SSC की दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या मुझे और कोई वैकेंसी इस दिल्ली पुलिस के वैकेंसी के बारे में और कोई खबर मिलती है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, और ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस जो कर्मचारी है वो दिल्ली पुलिस की रिक्वायरमेंट सेल जो कि दिल्ली पुलिस की भर्तियाँ करवाती है उसमें 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले एक पड़ोस के अंकल ने मुझे बताया है। तो मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
और एक बात और बता दूँ जो दोस्तों, जो बंदे पहले से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अब जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो उनके लिए पुराने पेपर बहुत ही ज़रूरी हैं। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, जिससे कि आपका एक ही बार में, जैसे ही दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर में आता क्या है उसके हिसाब से तैयारी करना, पढ़ते तो सभी हैं, तो पुराने पेपर जितनी आपकी मदद करेंगे, शायद कोई बुक या फिर कोई प्रैक्टिस सेट आपकी इतनी मदद कर पाएगा। क्योंकि पुराने पेपर में ये होता है कि जो भी फिक्स पैटर्न है आपको उसमें पता लग जाता है और आप उसके अनुसार अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक पे क्लिक करके आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या अदर एग्ज़ाम के PDF फाइल के रूप में पुराने पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।